बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो हम सीधे भगवान के विवाह के प्रसंग को श्रवण करें। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम देवी रुक्मणी था। महाराज भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराना चाहते थे, पर रुक्मणी मैया के भाई थे और वे अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे, अपने मित्र के साथ। और रुक्मणी की इच्छा के विरुद्ध रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बारात आने में केवल 2 दिन थे, पर मैया रुक्मणी अपना सर्वस्व भगवान को मान चुकी थी, इसलिए 7 श्लोकों में रुक्मणी पत्र लिखती हैं और सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र विदर्भ से द्वारिका पहुंचाती है। पहले श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम् रूपम् दृशाम् दृशिमतामखिलार्थलाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपम्। पहले श्लोक में रुक्मणी लिखती है कि हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक देखा नहीं आप कैसे हो, मैंने सिर्फ आपके गुणों को अपने कानों से सुना है, और जब से मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना है तो आपके गुण मेरे कानों के द्वारा हृदय में समा गए हैं, और जब से हृदय में समाए हैं हरतोंग तापम मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया। तो भगवान ने मन में बातें की, पहले मन में बात हो जाती थी, तो भगवान ने मन में बात की कि जब ताप दूर हो गए हैं तो पत्र लिखने का कारण क्या है। रुक्मणी उत्तर देती हैं कि गुणों को सुनने मात्र से जब कष्ट दूर हो गए हैं, जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो मखिलार्थ लाभ हो, मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए हे भगवन मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरे श्लोक में माँ रुक्मणी लिखती है कि हे नाथ, अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधुंस त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेत्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यश्यास बहिर्नव बधूर गीजानुपेया। हे भगवन, आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रुक्मणी का हरण करूंगा तो रुक्मणी माँ और बहनों के बीच में पहरे के भीतर होगी, तो पहले पहरेदारों को मारो फिर सबके सामने से मुझे रुक्मणी का हरण करना पड़ेगा। पर प्रभु, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कुल में परंपरा है विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है। तो जब मैं मेरी कुल देवी माँ गिरिजा के दर्शन के लिए जाऊं तो आप मेरा हरण कर लेना, खुद उपाय बता दिया। तीसरे श्लोक में माँ रुक्मणी लिखती है कि हे नाथ, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जितना पूजन पाठ हवन यज्ञ जप तप किया है, और यदि उसका मुझे फल मिलना है तो मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी लिखती है कि हे भगवन, आइए और बलपूर्वक सबको परास्त करके यहाँ से मुझे ले चलिए। पांचवें श्लोक में रुक्मणी लिखती है, जिस प्रकार से सिंह का भाग स्यार आकर के स्पर्श कर जाता है, वैसे ही मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, इसलिए हे नाथ आओ और ले चलो। छठवें श्लोक में रुक्मणी लिखती है कि हे भगवन, आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतरों का है, मैं सैकड़ों हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी पर विवाह करूंगी तो केवल आपसे। और सातवें श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं कि जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की रज को पा करके उन चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। पत्र लिखा, सुदेव नामक ब्राह्मण से पहुंचाया,
भगवान ने एक श्लोक पढ़ा, सारथी दारुक को रथ तैयार करने का आदेश दिया, रथ पर बैठे, बाकी पत्र बैठ करके पढ़ा। द्वारिका से विदर्भ के लिए भगवान ने प्रस्थान किया, यहाँ रुक्मणी गौरी पूजन के लिए निकली हैं, माँ को दो बार प्रणाम किया, एक बार इसलिए कि मंदिर जा रही हूँ और दूसरी बार इसलिए कि वहीं से मैं अपने पतिदेव के घर जाऊंगी, आऊंगी नहीं। रुक्मणी गौरी पूजन के लिए जाती हैं, आगे पीछे 16-16 कन्याएं, बीच में माँ रुक्मणी का रथ है। जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए माँ रुक्मणी चली जा रही है। माँ रुक्मणी कहती है, जय जय गिरी वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, देवी पूजन के लिए मैया रुक्मणी आगे बढ़ी और मंदिर पहुंच करके जगदम्बा मैया का षोडशोपचार विधि से पूजन पाद्य अर्घ आचमन स्नान इत्यादि करा करके 16 श्रृंगार किया और भगवती जगदम्बा से मां रुक्मणी ने प्रार्थना की है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना की, यहाँ मानो जगदम्बा ने आशीर्वाद दे दिया कि रुक्मणी चिंता मत करो, मन जाही राच्यो मेलही ही होगा। और जब आशीर्वाद दिया, यहां भगवान कृष्ण रथ पर बैठ करके आए, भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, रुक्मी रुक्माग्र शिशुपाल सब बेहोश हो गए। रथ खड़ा हुआ, मां रुक्मणी को रथ पर बिठाया, रथ पर बिठाल करके विदर्भ के लिए प्रभु ने प्रस्थान किया। और जब विदर्भ के लिए प्रस्थान, द्वारिका के लिए प्रस्थान किया, इन्हें होश आया, सबको भगवान का पीछा किया। रुक्मी और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। जब रुक्मी और कृष्ण युद्ध कर रहे थे तो रथ रुक्मणी चला रही थी, तो यदि देखा जाए तो कृष्ण ने रुक्मणी का नहीं, रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया है, और हरण की योजना भी रुक्मणी की थी। और फिर मैया ने हाथ जोड़े कि प्रभु मेरा भाई है, छोड़ दो। रुक्मणी के कहने पर भगवान ने छोड़ा। रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिका के पास माधवपुर नाम के एक स्थान पर भगवान पहुंचे हैं। माधवपुर में रुक्मणी मैया को रोका है। नंद बाबा और मैया यशोदा, देवकी वसुदेव सब वहां पर पधारे हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने पहुंच करके बड़े विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न कराया है। हमारे बीच में भी आज बहुत बड़ी बारात प्रभु की आ चुकी है, और देखिए इतने सारे बाराती बैठे हुए हैं, कुछ मैया रुक्मणी के घर से, कुछ ठाकुर जी के घर से। ऐसी बारात तो शायद ही आपने कभी देखी हो, इतनी बड़ी बारात। तो भगवान का आगमन भी थोड़े देर में होने जा रहा है, प्रभु आने वाले हैं, बाराती आ चुके हैं। तो बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। और यहाँ पर प्रभु का विवाह संपन्न होने जा रहा है। वरमाला आप पहनाएं प्रभु जी। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। और प्रभु का विवाह संपन्न हुआ।